किया गया है। ये संगठन पहले भी बने हैं, आज भी बने हैं। सवाल ये है कि कर्म प्रधान होता है, कुछ संगठन बनकर वहीं रुक जाते हैं। हमारी कोशिश होगी अपने साथियों के साथ और आपके टाउन से कि इसको हम मुल्क में प्रदेश से लेकर राज्यों तक इस संघर्ष को, जो हमारी मांगे, इस संघर्ष को जारी रखेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये सरे फहरिस्त होगा। और जब तक हमारी मांगे, जब एक जाट 500 बीघे का, एक गुजर 500 बीघे का रेल रोक सकता है आरक्षण के लिए, तो मंडल कमीशन के तहत हमारा जो हक बनता है, जब तक हमें कमीशन, जब तक मंडल कमीशन के तहत हमें रिजर्वेशन नहीं होगा, जो पिछले कमीशनरों ने तय किया था, विश्लेषण किया था, जब तक हमारा रिजर्वेशन नहीं होगा, हमारा संघर्ष जारी होगा इंडियन बैकवर्ड जाने से। क्या आपका एक्शन प्लान क्या है? मैंने बताया, पहले सरकार से प्रार्थना करेंगे, चाहे वो सम्मेलन के माध्यम से हो, अगर उस पर गौर नहीं हुआ तो हम भी इसी तरह से रोड रोकेंगे, रेल रोकेंगे, अपने संघर्ष को जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। बहुत जल्दी हमारे लोग साथी हैं, वो बहुत जल्दी, क्योंकि हम तैयारी ये कर रहे हैं कि भाई सुन लीजिए, भाई प्लीज प्लीज मैडम, देखिए पार्टियां देश में बहुत सारी हैं, मगर जिन पार्टियों का वर्क है, मैंने कहा कर्म प्रधान, हम बहुत जल्दी अपने इस संगठन को सुबह से लेके स्टेट से लेके जिला तक जाएंगे। जब हम तैयार हो जाएंगे दो चार महीने में, तो हम हो सकता है कि रामलीला मैदान में आ जाएं या तालकोटरा में आ जाएं, हम पूरे मुल्क में अपनी बात पहुंचाएंगे और अपने साथ लोगों को बढ़ाएंगे। देखिए अफसोस की बात है कि महाराष्ट्र में जब गए हम, तो हमारे 93 के प्रूफ पर सर्टिफिकेट बना जाति प्रमाण पत्र, वहाँ 67 को माना जा रहा है महाराष्ट्र में, 67 का प्रूफ दो तब हमारा जाति प्रमाण पत्र बनेगा, तो बच्चों का कहाँ से फायदा हो जाएगा। इसलिए संघर्ष हमारे लिए और आपके लिए जरूरी है। राजस्थान पे भी चलना जी, कोशिश करेंगे कि सारे देश के राज्यों में हम पहुंचे, हमारी कोशिश होगी कि सारे देश के राज्यों में पहुंचे। शुरुआत कहां से करेंगे? शुरुआत दिल्ली से की है, उसी का आगाज है। एक बात और बता रहे हम आपको कि हमारा पहले 14 तारीख को पिछले साल में पूर्वी दिल्ली में एक मीटिंग हुई कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद में 17 तारीख को महंगियान में एक कॉन्फ्रेंस हुई इस संगठन में। ऑफिस बेरस थे, सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट, वहाँ करीब 150-200 लोग थे, वो 20 तारीख को हुई, और 25 तारीख को अलहरम होटल जामा मस्जिद पर ये मीटिंग हुई, और आज आपके सामने हम रूबरू हैं। हमारे जो साथी हैं बहुत एक्टिव हैं और किसी भी तरह से पीछे नहीं है, हर मैदान में वो आगे हैं, बस हमें आपका सहयोग चाहिए। और एक गुजारिश और करना चाहता हूं मैं आपसे कि मुल्क में चाहे कोई कितना ही बड़ा संत हो, चाहे किसी भी मजहब का कोई मौलवी हो, अगर कोई इस तरह का बयान हो, क्योंकि वक्त के हालात पर मेरी बात कह रहा हूँ, अगर इस तरह का बयान हो कि देश को या देश की जनता को उसका नुकसान हो रहा है, तो उसे नजरअंदाज कर दीजिए, उसे फर्स्ट पेज पर मत छापिए। जो हमारा बड़ा संत या मौलवी है, जो देश का फायदा कर रहा है, उसको बिल्कुल आगे लेकर आइए। अखंडता की बात की जाती है, लेकिन पिछले दिनों एससी/एसटी ने जो जिस तरह से प्रोटेस्ट किया अपनी मांगों को लेकर, और ओबीसी कर रही है, ऐसा लग नहीं रहा है कि कहीं ना कहीं सारे भारतीय आपस में जातिवाद में फंस रहे हैं? देखिए इस वक्त में अभी देख रहा होगा रेप के मामले में, आपको आपने कहीं कोई जातिवाद नहीं है, तमाम देश के जो सेकुलर लोग या इंसाफ पसंद लोग थे, उन्होंने सबों ने धरने दिए, उसकी मुखालफत की है, उसमें कोई जाति या कोई बिरादरी नहीं है, हकूक के लिए सबको इकट्ठे होकर लड़ना चाहिए।